भगवान परशुराम को धनुर्विद्या महारत प्राप्त थी। उनके सबसे श्रेष्ठ शिष्यों में से एक कर्ण को अपने ही गुरु परशुराम से क्यों मिला था श्राप? कैसे परशुराम और एक ब्राह्मण द्वारा दिया गया श्राप महाभारत के युद्ध में कर्ण की मौत का कारण बना, चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। सूर्य पुत्र कर्ण द्वापर युग के महान योद्धा में से एक थे, लेकिन उनको मिला श्राप उनकी मौत का कारण बन गया। कर्ण को जीवन काल में दो श्राप मिले थे। उनको पहला श्राप उनके गुरु भगवान परशुराम ने दिया था, जबकि दूसरा श्राप उनको एक ब्राह्मण ने दिया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार कर्ण को बचपन से ही धनुर्धर बनने की इच्छा थी, लेकिन सूत पुत्र होने के कारण कोई उन्हें शिक्षा नहीं देता था। जब वह धनुर्विद्या सीखने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास गए थे तो उन्होंने भी सूत पुत्र होने के कारण कर्ण को धनुर्विद्या देने से इनकार कर दिया। इसके बाद फिर निराश होकर वे भगवान परशुराम के पास जाते हैं, लेकिन भगवान परशुराम भी सिर्फ ब्राह्मणों को ही विद्या देते थे। कर्ण किसी भी स्थिति में धनुर्विद्या सीखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भगवान परशुराम से झूठ बोला कि वो ब्राह्मण है, जिसके बाद परशुराम कर्ण को ब्राह्मण समझकर उसे शिक्षा देने लगते हैं। जब कर्ण की शिक्षा समाप्त होने वाली होती है तो एक दिन उनके गुरु भगवान परशुराम दोपहर के समय कर्ण की जांग पर विश्राम कर रहे थे। उसी समय एक कीड़ा आता है जो कर्ण की जांग पर काट लेता है। भगवान परशुराम की नींद खराब न हो इसकी वजह से कर्ण कीड़ा को हटाने के बजाय डंक मारने देता है। थोड़े समय बाद जब परशुराम की आंख खुलती है तो वे देखते हैं कि कर्ण की जांग से खून बह रहा है। यह देखकर भगवान परशुराम समझ जाते हैं कि इतनी सहनशीलता सिर्फ किसी क्षत्रिय में ही हो सकती है, जिसके बाद परशुराम कर्ण से कहते हैं कि तुमने मुझसे झूठ बोलकर ज्ञान हासिल किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जब भी तुम्हें मेरी दी हुई विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी उस समय वह काम नहीं आएगी। श्राप सुनकर कर्ण ने परशुराम से कहा कि वह स्वयं नहीं जानते हैं कि वह किस वंश या कुल के हैं, और अपनी सारी बातें परशुराम को बताते हैं, जिसके बाद भगवान परशुराम को अपने दिए हुए श्राप पर पछतावा होता है, लेकिन दिया हुआ श्राप वापस नहीं लिया जा सकता है, इसलिए परशुराम विजय धनुष्वाण वरदान के रूप में कर्ण को देते हैं, जिसके बाद कर्ण भगवान परशुराम के आश्रम से विदा ले लेते हैं। ब्राह्मण ने क्यों दिया था कर्ण को श्राप? इस घटना के कुछ वर्षों बाद एक दिन कर्ण जंगल में किसी अत्याचारी राक्षस का पीछा कर रहे थे और राक्षस को निशाना बनाते हुए उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक वह राक्षस गायब हो जाता है और धनुष से निकला बाण दलदल में फंसी एक गाय को लग जाता है, जिसके बाद उस गाय की मौत हो जाती है। उस गाय का स्वामी एक ब्राह्मण होता है जो गाय की दुविधा देखकर कर्ण को वही एक श्राप दे देता है कि जिस प्रकार तुमने एक असहाय गाय को मारा है ठीक उसी तरह ही एक दिन तुम्हारी भी मृत्यु होगी। महाभारत की कथा के अनुसार आगे चलकर इन्हीं दोनों श्राप का प्रभाव महाभारत के युद्ध में नजर आया। महाभारत युद्ध के दौरान कर्ण के रथ का पहिया दलदल में फंस जाता है, और जब कर्ण पहिया निकालने के लिए रथ से उतरता है उसी समय अर्जुन बाण चला देता है और कर्ण अपनी विद्या भूल जाते हैं, जिसके कारण कर्ण की मौत हो जाती है।